आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। धरती पर रहने वाले प्राणियों के जीवन और मृत्यु की तारीख भगवान तय करता है, लेकिन जीवन और मृत्यु के बीच की जिंदगी उस प्राणी को स्वयं जीना होता है, जिसमें उसके कर्म धर्म, उसका व्यवहार, स्वभाव के साथ ही उसका उद्देश्य भी शामिल होता है। हर प्राणी की अपनी एक छवि है और उसके कर्म से ही उसकी पहचान बनती है। कोई पेट के लिए तो कोई पैसों के लिए अपने जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी को तय करता है, और एक दिन ईश्वर द्वारा तय तारीख और समय पर आप शरीर से आपका प्राण ले लिया जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला एक गरीब और लाचार माँ के जीवन में, जब एक माँ के सामने एक पुत्र की अंतिम यात्रा निकाली गई। उस माँ ने अपने बेटे के अंतिम संस्कार को देखा, शायद पंचतत्व में विलीन हो रहे आग लपटों में कुछ ढूंढ रही थी। जिस बेटे ने माँ के गोद में जिंदगी पाई थी, वो किसी और की गोद में आंखों के सामने जल रहा था। शायद माँ के गोद से ताकतवर था। लकड़ियों से बना वो गोद जहाँ आंखों के सामने राख बन रहा था और हर किसी का कलेजा छल्ली हो रहा था। इस पूरे वाक्य की शुरुआत बलिया के जिला अस्पताल में शुरू होती है। जीवन और मृत्यु के बीच हर प्राणी के कर्म का विशेष महत्व होता है, और आपका कर्म ही आपको दानव या भगवान बना देता है। पेश है बलिया से नवल जी की खास रिपोर्ट। परिचय दीजिए। मेरा नाम सागर सिंह राहुल है। कैसा मामला है, कैसी बूढ़ी औरत पोस्टमार्टम हाउस के बाहर किसका इंतजार कर रही है, और कैसे घटना की जानकारी आपको हुई, क्या कहेंगे? रात्रि करीब 10:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि जिला अस्पताल के सामने एक वृद्ध महिला जो है वो रो रही है, और उनसे बात करने पर कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्या बोल रही हैं, उनके शब्द नहीं पहचान में आ रहे थे। तो मुझे बुलाया गया, मैं भी उनसे मिला, जानकारी लिया और अस्पताल से जानकारी लिया, तब पता चला कि इनका 18 से लेकर 19 साल का कोई जवान बच्चा है जो किन्हीं कारणवश मृत हो गया, जिसका शरीर पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है, और 2 से 3 दिनों से ये माताजी यहाँ पे विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, और वही कष्ट मुझे देखा नहीं गया। तो कल हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इनको वायरल किया था कि अगर इनके परिवारजन को पता चल जाए, चूँकि ये माताजी का शब्द हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, और थोड़ी सी ये दिमागी हालत से कमज़ोर भी है, तो हम लोग सोचे कि उनके परिजन के पता चल जाए तो ये इनका अंतिम संस्कार जो है उनके परिजन द्वारा कर दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला और पोस्टमार्टम आज हो रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनका अंतिम संस्कार इनके माताजी के सामने ही हम लोग पूरा विधिवत रीति रिवाज, हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ कर दिया जाए, जिससे माताजी को भी लगे कि मेरे पुत्र का जो है अच्छा से अंतिम विदाई हुआ। इसके वजह से हम लोग यहाँ पर जिला अस्पताल पे आए हैं। अभी सब हम लोग पोस्टमार्टम हाउस में से शरीर निकलेगा और ले जाएंगे। प्रशासन भी साथ में है? प्रशासन का अब चूँकि नंबर देकर गए थे, प्रशासन ने फ़ोन किया कि आप आइए और साथ में चलना है तो आप चलिए, प्रशासन के बीच में सहयोग मिला हमको।